नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो यार आज हमारे पास है पावर स्विच 16 एम्पियर का और साथ में पावर सॉकेट 16 एम्पियर का। तो हम आपको बताएंगे कैसे हम पावर स्विच और सॉकेट को लगा सकते हैं 3 मॉड्यूलर फेस प्लेट में अपने घरों में पावर पॉइंट बनाने के लिए। तो यार सबसे पहले खोल देते हैं अपने 3 मॉड्यूलर फेस प्लेट को और साथ में उसमें लगा देते हैं 16 एम्पियर का सॉकेट और साथ में हम लगा देते हैं दोस्तों 16 एम्पियर का स्विच। दोस्तों मैंने आपको अपने इस चैनल पे सभी मॉड्यूलर बोर्ड की फिटिंग और वायरिंग प्रॉपर तरीके से सिखाई है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में सभी वीडियोज़ का लिंक लगा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सबका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बोर्ड में जो हमारी मेन पावर वायर आई हुई है, मेन फेज आया है, उसे लगा देना है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में और उसी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें एक वायर ले जानी है जिसको हम कनेक्ट करेंगे अपने सॉकेट के एक टर्मिनल में। दोस्तों यार याद रहे कि हमेशा जो है हमारी जो पावर वायर है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हम कंट्रोलिंग की एक वायर लेते हैं और उसको अपने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से ले जा करके सॉकेट के किसी भी एक टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। दोस्तों हमें साथ ही एक बात और ध्यान में रखनी है कि यार इनके जो टर्मिनल हैं प्रॉपर तरीके से कसे हुए होने चाहिए। अगर ये ढीले हो जाएंगे तो यार इसमें इसके जलने का खतरा हो सकता है। दोस्तों अब जो बोर्ड में हमारी न्यूट्रल वायर आ रही है वो हमने सॉकेट के अगले टर्मिनल बचे हुए टर्मिनल पे कुछ इस प्रकार से लगा देनी है। दोस्तों अब सॉकेट में ऊपर का टर्मिनल देख रहे होंगे, अगर आपके घर में अर्थिंग अवेलेबल है तो आप उसमें अर्थिंग की वायर डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट है हमारी 3 मॉड्यूलर फेस प्लेट की पूरी वायरिंग जिसमें हमने आपको पावर स्विच और सॉकेट लगा करके दिखाया। तो यार दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यार अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर इस वीडियो में आपको सीखने के लिए कुछ भी मिला तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।